लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवझायाड़म, नमो लोए सवेसाहुरम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदे कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानादन्यत् करोति किम्, परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाजन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका गुरु गोपाल दास जी बरैया द्वारा विरचित, जिसके आधार से, जिसके माध्यम से हम तत्वों का चिंतन, तत्वों का मनन, जैन धर्म में जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली है उसको संक्षेप में समझने के लिए सब एकत्रित हुए हैं। उसी में विगत दिनों से हमारी षट कारक पे चर्चा चल रही है, अर्थात स्वतंत्रता पे चर्चा चल रही है। हमारी स्वतंत्रता हमारे हाथ में ही है और किसी के हाथ में नहीं है, अर्थात हम ही अपने सुख दुख के कर्ता हैं और कोई हमारे सुख दुख का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि सब जीव स्वतंत्र है। एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद अपनी बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक एक घोड़े की कहानी। क्या कैसा घोड़ा है वो? एक घोड़ा एक बार एक आदमी के पास जाके बोलता, भाई साहब मुझे बचा लीजिए। कौन बोल रहा है? घोड़ा आदमी के पास जाके बोलता है, भाई साहब मुझे प्लीज बचा लीजिए, मेरे पीछे बाघ पड़ा हुआ है और वो मुझे मार देगा, प्लीज बचा लीजिए। उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। तो उस भाई साहब ने कहा, ठीक है मैं आपको बचा लेता हूँ, लेकिन एक शर्त है, जो मैं कहूंगा आपको वो ही करना पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है आप बस मेरी जान बचा लीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, एक बार मेरी जान बचा लीजिए। ठीक, उसने उससे उसकी जान बचा ली। और उसकी शर्त क्या थी कि मैं तुम्हारी जान तो हमेशा बचाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी लगाम, जो तुम्हारी लगाम होगी वो मेरे हाथ में होनी चाहिए, मतलब कि तुम्हारी लगाम मैं अपने हाथ में रखूंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसको तो उसको उसको तो अभी बाघ से बचना था, वो तो भागा जा रहा था। तो जिसने उसको सहारा दिया उसने उसकी ही शरण पाली और बाघ से बच गया। वही शिकारी था, वो भाई साहब शिकारी के रूप में थे, तो भाई साहब जो शिकारी थे वे उसको अपने साथ अपने घर ले गए और एक कमरे में जाके बंद कर दिया और कहा कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित हो, और जब भी तुम कभी बाहर निकलोगे तो मैं तुम्हारे साथ निकलूंगा, मैं उस पे तुम पे बैठूंगा और तुम्हारे सामने कभी भी बाघ तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। अब इस कहानी कहानी इतनी सी थी, कहानी में ऐसा कोई सार नहीं था, लेकिन बात यहाँ पे बहुत गजब की है। क्या? घोड़े की सुरक्षा तो हुई लेकिन उसकी स्वतंत्रता उससे छिन गई। अभी तक वो स्वतंत्र जंगलों में घूमता था, जहां मन करता था वहां जाता था, जब खाना होता था जब खाता था, कोई किसी के अधीन नहीं था। लेकिन अब वो सुरक्षित हो गया, लेकिन सुरक्षित होने के बावजूद भी अब उसकी स्वाधीनता चली गई है, अब वो किसी के अधीन हो गया है। तो बचेगा तो, लेकिन ऐसा बचना किस काम का जब अपनी स्वतंत्रता ही अपने हाथ में नहीं रह जाए। हम बहुत देखते हैं घरों में जो पशु पक्षी घर में पालते हैं, कि अगर किसी की बालकनी है तो बालकनी के बाहर कुत्ता भौंकता रहता है, वहां पे गेट बंद कर देते हैं, वो इधर से उधर घूमता रहता है। कहने को कह सकते हैं कि उसको कितनी अच्छी जिंदगी मिली है, आराम से कितने बढ़िया बंगले में, 2 करोड़ के बंगले में वो रहता है, लेकिन 2 करोड़ का बंगला उसको नसीब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इतना पराधीन हो गया है, हर चीज के लिए पराधीन। अभी जहां मन करता था वहां जाता था, जिसके साथ घूमना होता था कुत्ता उसके साथ घूमता था, जिसको परेशान करना होता था उसको परेशान करता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब वो वहां पे बंद चुका है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब कि कैसे भी परिस्थिति आ जाए लेकिन हमें अपनी स्वाधीनता नहीं छोड़नी चाहिए। देखा जाए तो उदाहरण तो एक देश था,
लेकिन वास्तव में वो घोड़ा अपने में भी तब भी स्वतंत्र ही है, वो बंधा हुआ घोड़ा भी अपने में स्वतंत्र है, क्योंकि उसके जो कार्य हो रहे हैं वे अपने उसके षट कारक के हो रहे हैं, उसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ही चाहे वो कुत्ता भी कितना बंधा हुआ हो, बंधा हुआ कुत्ता भी हो सकता है हमें लगे वो कितना पराधीन है, लेकिन पराधीन तो है ही क्योंकि दूसरों की अपेक्षा पराधीन है, लेकिन अपना कर्ता वो स्वयं ही है तो वो एक तरीके से स्वाधीन ही है। मतलब वस्तु को देखने के दो अलग अलग एंगल है। जब हम एक ही वस्तु को दूसरे की अपेक्षा देखते हैं तो हमें वही वस्तु पराधीन लगने लग जाती है, और जब हम अपने को अपने अनुसार ही देखते हैं तो हम स्वाधीन लगने लग जाते हैं। हम कपड़े भी पहनते हैं तो दूसरों के हिसाब से पहनते हैं कि दूसरे सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा, जब मैं ये कपड़े पहनूंगा तो कैसा लगूंगा। सामने वाले के अनुसार हम चलते हैं और हमेशा दुखी रहते हैं। मैं कहता हूं जब हम अपने घर में बैठे होते हैं, घर में हम अपने घर के कपड़े पहन के बैठे होते हैं तो उसमें कितनी स्वाधीनता होती है, और जब कहीं बाहर जाना हो दूसरों को कपड़े दिखाने हो उसमें कितनी पराधीनता होती है, कहीं मुझे मेरे कपड़े कैसे लग रहे होंगे, मैं अच्छा लग रहा हूं नहीं लग रहा हूं। मतलब दूसरों की अपेक्षा जब होती है तो जीव दुखी होने लग जाता है, और जब किसी की अपेक्षा नहीं होती, अरे ये तो सब अपने ही घर वाले हैं, आराम से अपने नाइट ड्रेस में आराम से खुले बैठे हुए हैं, तो इसके अंदर क्या है, ये होती है स्वाधीनता। मतलब जिसके अंदर किसी की पराधीनता नहीं है, पर की अपेक्षा नहीं है। ऐसे ही षट कारक जो होते हैं, षट कारक हमें स्वाधीनता बताते हैं कि सब कुछ स्वतंत्र है, आपका सुख दुख आपके ही हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। आप ही उसके कर्ता हो, आप ही उसके कर्म हो, आप ही उसके करण हो, आप ही उसके संप्रदान हो, अपादान हो, अधिकरण हो, आप ही सब कुछ हो, कोई आपके सुख दुख का कर्ता नहीं है। जैसे ही हमें ये पता लग जाता है कोई हमारे सुख दुख का कर्ता नहीं है, तो जिन पे हम आरोप देते हैं, भैया इनके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, इन्होंने मेरे साथ इन्होंने मेरे पैसे लूट लिए थे, इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मतलब कि जब तक हम दूसरों के आधार पे रहेंगे तब तक हम खुद पूरे नहीं हो पाएंगे। मतलब कि हम भी आधे बन जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति भी आधा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के अधीन हो जाएंगे। हम बनना चाहते हैं पूर्ण। पूर्ण कैसे बनेंगे? अपने को जान के, हम खुद ही सब कुछ अपने सुख दुख के कर्ता कर्ता धर्ता हम ही है, कोई पर द्रव्य नहीं है। इसी के रूप में हम षट कारक की चर्चा विगत दिनों से कर रहे हैं, उसमें से हम व्यवहार षट कारक की चर्चा कर चुके हैं और निश्चय षट कारक की चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी, जिसमें हमने 6 कारकों में से 5 कारक की चर्चा हम पूर्व में कर चुके थे, कि एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आप में से भी कोई रिवाइज कराना चाहता हो कि हमने कल क्या देखा था, तो आप में से भी कोई रिवाइज करा सकता है जिससे लगे कि हाँ सबको समझ में आ रहा है। चलिए अभी किसी को बताना हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो मैं रिवाइज कराता हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था संक्षेप में। किसी को कोई बताना है कि हमने कल क्या पढ़ा था? चलिए मोक्ष बताना चाहता है, बोलिए मोक्ष। भैया कर्ता जो है इसमें, कर्ता तो मिट्टी है क्योंकि जिसने बनाया वो मिट्टी है, और कर्म है वो घड़ा है क्योंकि जो बना है वो घड़ा है, और करण है जो कारण है हमारा, जो साधन है वो भी मिट्टी है क्योंकि मिट्टी से ही बना है वो, और संप्रदान के लिए होता है उसमें मिट्टी किसके लिए बनी है, तो वो घड़े को बनाने के लिए बनी है, घड़े के लिए बनी है वो मिट्टी। और अपादान से तो मिट्टी, तो वो मिट्टी से ही घड़ा बना है। मिट्टी से तो करण में चला गया। नहीं भैया मतलब वो एक मिनट, भाई धरती से अलग, धरती में जो मिट्टी है उससे अलग होके मिट्टी कहीं टोकरी में आ गई तो घड़ा बनाने के लिए आ गई, तो उससे अलग हो गई। ये व्यवहार षट कारक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आपने इतने बताए कि अपादान के अंदर ये था कि जो मिट्टी है, अब मिट्टी पहले उसकी पिंड रूप अवस्था थी, अभी उसी मिट्टी की दूसरी अवस्था हो गई है, अर्थात वही परिणमित हो गया। एक अवस्था को छोड़ के, एक से अलग होके दूसरी पर्याय आ जाती है, एक को छोड़ के, जैसे वृक्ष से पत्ता अलग हो जाता है, ऐसे ही एक पर्याय को छोड़ के अगली पर्याय आ जाती है। तो एक पर्याय से अलग होके, से शब्द का प्रयोग आना चाहिए, तो एक से अलग होके उसने दूसरी पर्याय यहाँ पे उसकी हो चुकी है, घड़े रूप पर्याय उसकी
हो चुकी है, तो यहाँ पे अपादान हमने कल जाना था। क्या थी परिभाषा? जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। चलिए अगला है, हम अधिकरण को भी जल्दी से समझ लेते हैं कि अधिकरण क्या है। अधिकरण का मतलब क्या होता है? आधार। अधिकरण अर्थात आधार, मतलब कि कोई भी वस्तु होती है तो किसी ना किसी के आधार जरूर, उसका कोई ना कोई आधार जरूर होता है, अर्थात बेस जरूर होता है। आप जहां जहां बैठे हैं तो उसका आधार क्या है? कोई कुर्सी पे बैठा है, तो कोई जमीन पे बैठा है, कोई टेक लगा के बैठा है, सब अलग अलग तरीके से बैठे हैं, तो वो उनके आधार हो गया उनके बैठने का। सब अलग अलग तरीके से बैठे हैं तो ये सबका आधार हो गया बैठने का, ये होता है अधिकरण। इसको क्या कहते हैं? अधिकरण। क्या परिभाषा दी? हम एक बार 29 नंबर का पेज निकालें। 29 नंबर के पेज में 135 नंबर का प्रश्न, क्या है प्रश्न? अधिकरण किसे कहते हैं? अधिकरण किसे कहते हैं? तो उत्तर क्या दिया? जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है, जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है। अब इस वाक्य में आप अपना उदाहरण फिट करते जाइए, आपको पूरी परिभाषा समझ में आ जाएगी। क्या है? जिसमें या जिसके आधार से कर्म किया जाता है। हमारा कर्म क्या है निश्चय षट कारक में? निश्चय षट कारक में हमारा कर्म है घड़ा, जो वो मिट्टी। घड़े को अभी हम ले, तो जिसके आधार से कर्म किया जाता है, मतलब किसके आधार से कर्म किया जा रहा है, घड़ा किसके आधार से किया जा रहा है। व्यवहार षट कारक में तो हम कहेंगे कि जमीन के आधार से, पृथ्वी के आधार से वो घड़ा ऊपर उसके बन रहा है। लेकिन हम निश्चय षट कारक में क्या है? मिट्टी ही मिट्टी का आधार भूत है। अगर मिट्टी ही मिट्टी रूप घड़े रूप नहीं बनेगी तो वो पूरी मिट्टी ढहल जाएगी। मतलब कि कोई जीव अपने ही आधार से जीता है, किसी और के आधार से नहीं जीता। हमें ऐसे मतलब कि उदाहरण के लिए लें, हम अपने ही आयु कर्म से जीते हैं, किसी और के आयु कर्म से नहीं जीते हैं। मेरा आयु कर्म अलग है, सामने वाले का आयु कर्म अलग है। तो हमारा आधार है हमारा आयु कर्म, उदाहरण मात्र है। हमारा आयु कर्म हमारा आधार है, उसके आधार से हम जीवन जीते हैं। अगर आयु कर्म खलास तो हमारा जीवन भी खलास, अर्थात आयु कर्म पूरा हो जाएगा तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। हम इतना संक्षेप में आधारभूत वस्तु को कह सकते हैं। ऐसे ही मिट्टी का आधार क्या है? मिट्टी, घड़े का आधार क्या है? घड़े का आधार वो मिट्टी ही है। अगर मिट्टी घड़े रूप परिणमित नहीं हो, सोचिए कुम्हार घड़ा बनाने बैठा और वो मिट्टी घड़े रूप परिणमित नहीं हो, क्योंकि घड़े मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है, उसका मन क्योंकि वो अलग परिणमन कर रही है, कुम्हार थोड़ी उसको परिणमन करा रहा है। कुम्हार ने घड़ा को मिट्टी को आकार देने का प्रयास किया और उसका आकार वैसा नहीं आया, क्यों? क्योंकि उसकी आधारभूत वस्तु वैसी नहीं थी, उसको वैसा उस समय नहीं बनना था, इसलिए वो नहीं बना। वो घड़ा बने का बना टूट जाता है उसी समय। ये क्या होता है? हमारे स्कूल में क्ले मॉडलिंग चलती थी, एक एक्टिविटी हुआ करती थी जिसमें एक दिन 2 घंटे क्ले मॉडलिंग भी सिखाया करते थे कि क्ले मॉडलिंग। मैंने वो एक्टिविटी नहीं ली थी, लेकिन बच्चों को देखा था कि कैसे वो बनाते हैं, अलग अलग छोटे छोटे मटके बनाते थे। अब क्या होता था, मटके बनाने तो आते नहीं है, कोई चीज बनानी तो आते नहीं है। अब वैसी बात ये हाथ पैर मार के सीखने वाली बात थी, तो सारे बच्चे एक हफ्ते में हाथ पैर मार के एक मटका बनाना सीखते थे। तो छोटा सा मटका बनाते थे, 10 बार मटका बनाते थे और 10 बार मटका फूट जाता था। एक बार इतना छोटा सा मटका बनाते थे फिर वो बन पाता था, क्यों? उसकी आधारभूत वस्तु अगर मिट्टी राजी होगी घड़े रूप होने के लिए तो ही मिट्टी घड़े रूप हो पाएगी, अन्यथा मिट्टी घड़े रूप नहीं हो पाएगी। अर्थात उसका आधार जब तक रेडी नहीं होगा, आधार को हम कह सकते हैं बेस, अगर उसका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे ऊपर की नींव कैसे रखी जाएगी? अगर घर की नींव अच्छी नहीं है और हमें 50 मंजिल का कुछ फ्लैट सा बनाना है या बिल्डिंग बनानी है और नींव पक्की नहीं है तो कोई भूकंप आएगा और बिल्डिंग गिर जाएगी। मतलब आधार उसका बेस पक्का होना चाहिए, अधिकरण पक्का होना चाहिए। ऐसे ही जो मिट्टी है, मिट्टी घड़े का आधार है। अगर मिट्टी बढ़िया नहीं होगी तो घड़ा भी बढ़िया नहीं बन पाएगा। मतलब कि कुम्हार को घड़े बनाते वक्त कितनी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। व्यवहार की ओर से बात करें कि उस मिट्टी में कितना पानी डालना है, कितनी चीजें उसमें मिलानी है, कितना बड़ा घड़ा बनाना है तो कितना हमें मिट्टी उठानी है। अगर थोड़ा सा भी घड़े में ज्यादा पानी हो जाएगा, मिट्टी में ज्यादा पानी हो जाएगा तो घड़ा नहीं बन पाएगा। अगर मिट्टी में कम पानी रह जाएगा तो भी घड़ा नहीं बन पाएगा। मतलब उसका आधार स्ट्रांग होना चाहिए,
तभी वो ज्यादा देर तक मजबूती उसकी रहती है। घड़ा लेने जाते हैं, ठोक पीट के देखते हैं भैया मिट्टी पक्की है ना, टूटेगा तो नहीं जल्दी, इतना सब कुछ चेक करते हैं। क्यों करते हैं? उसका आधार चेक करते हैं कि आधार पक्का है या नहीं है, इसलिए अधिकरण की बहुत आवश्यकता है। तो लिखा जिसमें आधार से, जिसके आधार से कर्म किया जाता है, तो कर्म है घड़ा और आधार क्या है मिट्टी, तो मिट्टी के आधार से ही क्या किया जाता है घड़ा किया जाता है, वो कर्म किया जाता है, उसे ही अधिकरण कहते हैं। इसलिए मिट्टी ही अधिकरण हो जाती है, मतलब कि सारी चीजें एक में ही घटित हो गई, मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है, मिट्टी ही करण है, मिट्टी संप्रदान अपादान अधिकरण, छह के छह कारक एक मिट्टी पे ही अप्लाई हो गए। अभी आपको कुछ उदाहरण में कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछिए, क्योंकि अभी तो हमें सिद्धांत की ओर जाना है। अभी उदाहरण में अगर कुछ पूछना हो तो आप उदाहरण में पूछ लीजिए, अगर आपको अधिकरण समझ में ना आया हो या कुछ भी समझ में ना आया हो आप अभी जल्दी से पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसकी जो अगला स्टेप है उसकी ओर भी हमें बढ़ना है। चलिए, सबको ऐसा देख के लग रहा है कि सबको सब समझ में अच्छी तरह आ रहा है, किसी से कुछ भी पूछ लिया जाए फिर। अभी मैंने थोड़े से प्रश्न भी बनाए हैं आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, आपको टेस्ट लेने के लिए कि आपको निश्चय षटकारक और व्यवहार षटकारक अच्छी तरह समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। रैंडमली आपसे जल्दी से जल्दी पूछूंगा और जल्दी से जल्दी आपको उसका जवाब देना है, इसलिए अभी कुछ प्रश्न पूछ लो, अभी तो गुंजाइश है, बाद में नहीं कि हमें समझ में नहीं आया, ऐसा बाद में कहने का अवसर नहीं मिल पाएगा। चलिए, मोक्ष को लग रहा है कि मोक्ष को डर लगा, एकदम उसने हाथ खड़ा कर दिया, अभी पूछ लेते हैं बाद में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बोलिए मोक्ष। भैया मिट्टी करता कैसे हुई? मिट्टी करता कैसे हुई? चलिए, कौन बताना चाहेगा कि मिट्टी करता कैसे हुई, क्योंकि मिट्टी करता तो बहुत सरल है, हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं। चलिए बोलिए आस्था। भैया क्योंकि घड़ा ही मिट्टी रूप परिणामित हुआ तो मिट्टी ही करता हुई। चलिए, मिट्टी ही घड़े रूप परिणमित हुआ है तो मिट्टी ही करता है, सारे कार्य तो मिट्टी में ही हो रहे हैं, मतलब मिट्टी करता नहीं होगी तो घड़ा कैसे बन पाएगा, मिट्टी ने घड़ा बनाया, ऐसा वाक्य प्रयोग करते हैं। तो जो पहला चीज होती है वो हो जाता है कर्ता, दूसरी चीज हो जाती है जो ने के बाद, कि मिट्टी ने घड़ा बनाया, तो घड़ा क्या हो गया, उसका कर्म हो गया, और क्रिया क्या हो गया, उसका बनना। तो जो घड़ा है वो कर्म है और वो भी मिट्टी रूप ही होता है, और जो कर्ता है वो मिट्टी हो गया। अब आपका समझ में आया कि कर्ता कौन है, कर्ता मिट्टी कैसे है? ये कर्ता तो वो होते हैं ना जो काम को करता है, तो फिर मिट्टी तो यहाँ पर नॉन लिविंग। अच्छा, मिट्टी यहाँ पे कुछ काम नहीं कर रही, मिट्टी क्या कर रही है? आप माइक तो खोलिए एक बार। मिट्टी चेंज हो रही है भैया, मिट्टी से वो घड़े के रूप में बदल रही है। आप अपने सारे, हम जितने पुराने सिद्धांत पढ़ के आए हैं सबको एक बार याद कीजिए एक बार, हमने जब जीव और पुद्गल द्रव्य के संबंध में पढ़ा था तो उसमें कॉमन चीज पढ़ी थी कि उन दोनों में कॉमन चीज होती है क्रियावती शक्ति। पुद्गल की क्रियावती शक्ति पुद्गल की होती है, जीव की क्रियावती शक्ति जीव की होती है, तो सब कार्य तो सभी करते हैं, सारे ही द्रव्य कार्य करते हैं, तो ऐसा तो बात है ही नहीं। तो मिट्टी भी तो कार्य करती ही है, मिट्टी अपने रूप परिणमन करती है, आप अपने रूप परिणमन करते हैं, कुम्हार अपने रूप परिणमन करता है, और द्रव्यत नाम का गुण तो सब में ही है। द्रव्यत गुण की परिभाषा क्या थी कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमन करता रहता है उसे द्रव्यत गुण कहते हैं। तो परिणमन तो चल ही रहा है, तो मिट्टी में ही कार्य हो रहा है, तो मिट्टी ही कर्ता हो जाती है। चलिए, अभी हम समझते हैं इसको, ये तो मात्र उदाहरण था, अब इससे हमें सिद्धांत क्या समझना है। सिद्धांत हमें ये समझना है कि जो कार्य होता है वो हम में ही होता है। जैसे कि जीव को केवल ज्ञान हुआ, क्या कहा, वाक्य क्या है हमारा, जीव को केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान जीव को ही हुआ है और किसी को नहीं हुआ है। मतलब कि अभी हम इसी वाक्य में षट कारक को अप्लाई करेंगे, वो भी निश्चय षट कारक को। जैसे कि जीव ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, क्या वाक्य है, जीव ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कर्ता कौन है इधर,
करता है जीव, क्योंकि जीव ही केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। कर्म क्या है? कर्म उसका केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान किसको होता है? केवल ज्ञान भी जीव को ही होता है, पुद्गल को तो केवल ज्ञान होता है नहीं। तो इसीलिए जीव ही करता है और कर्म भी जीव ही है, क्योंकि जीव को ही केवल ज्ञान हुआ, जीव को ही केवल ज्ञान हुआ तो जीव ही कर्म हो जाता है। अगला आगे बढ़िए, करण साधन क्या था? साधन की परिभाषा हम पढ़ चुके करण की, कि साधक तम करणम, कि जो साधक तम हो उसे करण कहा जाता है। तो साधक तम क्या है, मतलब उसको पाने में कारण क्या है? अपनी आत्मा की अनुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो आत्मा की अनुभूति से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारे मुनिराज अपने ध्यान में बैठते हैं, अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, अपने आत्मा का आत्म साक्षात्कार करते हैं, उसके साथ बातें करते हैं आत्मा के साथ, यही तो आत्मा को जानना है। और आत्मा को जानते जानते ही वो केवल ज्ञान रूप पर्याय उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि कारण क्या है, आत्मा को जानने से क्या होता है, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्मा को जानने से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। अब आगे बढ़िए, अगला क्या है अपना, संप्रदान। संप्रदान क्या होता है? सम्यक प्रकार से देना। बात की थी हमने सम्यक प्रकार से देना, क्या देना? अभी तक हमने व्यवहार में क्या देखा था कि जीव अरहंत बने हैं या जीव को केवल ज्ञान हुआ है तो वो भव्य जीवों के लिए बने हैं। व्यवहार में, व्यवहार का कथन क्या है कि भव्य जीवों का उनके केवल ज्ञान उत्पन्न होने से कल्याण होता है। तो व्यवहार में कहते हैं कि हमारा पुण्य का उदय था कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ, तो भगवान ने तो केवल ज्ञान हमारे लिए किया है, के लिए हमारे लिए किया है। लेकिन वास्तव में उन्होंने केवल ज्ञान किसके लिए प्राप्त किया है? उन्होंने केवल ज्ञान अपने लिए ही प्राप्त किया है, किसी और के लिए प्राप्त नहीं किया है। मतलब कि जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है तो वो तो बिना रुचि के कीर्ति है, भगवान को कोई बोलने का शौक नहीं है। दिव्य ध्वनि उनकी सहज कीर्ति है, भव्य जीवों का इतना पुण्य का उदय होता है कि दिव्य ध्वनि सहज कीर्ति है। वो सोच सोच के कि मुझे भव्य जीवों का कल्याण करना है तो मुझे दिव्य ध्वनि थोड़े अच्छे अच्छे वचन बोलने पड़ेंगे, नहीं तो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा, ऐसा नहीं। खुद ही कीर्ति है, मतलब कि भव्य जीवों के कल्याण, मतलब भगवान को एक बार भी भावना ऐसी नहीं होती कि हमें दूसरों का कल्याण करना है। अगर हम ही कल्याण नहीं करेंगे तो सामने वालों का क्या होगा? लेकिन जगत में आज की स्थिति ऐसी है, हम सब अपने बारे में भूल जाते हैं और दूसरों का जीवन सुधारने लग जाते हैं, दूसरों की गलतियों को सुधारने लग जाते हैं, अपने जीवन में अपनी गलती एक बार भी नहीं देखते हैं। मतलब ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि अगर कोई कांच टूट जाता है, अगर कांच काम वाली से टूट जाता है या कांच का गिलास काम वाली से टूट जाता है तो उस पर चढ़ बैठते हैं, और वही कांच का गिलास हमसे टूट जाता है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं। क्या करें, उसको टूटना था तो टूट गया, और जब काम वाले से टूटा कैसे टूट गया, ध्यान देना चाहिए था बिल्कुल। मतलब कि दूसरों पे तो हम दृष्टि देते हैं और अपने को देखते नहीं है। मतलब कि यहाँ पे भी भगवान हमेशा अपने को ही देखते हैं, दूसरे को कभी नहीं देखते हैं। मतलब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो अपने लिए ही उत्पन्न हुआ है, दूसरे के लिए नहीं हुआ है। केवल ज्ञान में देखिए, केवल ज्ञान में दो चीजें होती हैं, अपने को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। लेकिन अपने को तन्मय होकर जानते हैं और पर को तन्मय होकर नहीं जानते। शब्द आ गया तन्मय, क्या शब्द है, तन्मय। मतलब कि स्व को तो ऐसा जानते हैं कि ये ही मैं हूं, लेकिन पर को जानते हैं लेकिन उसमें तन्मय नहीं होते, अर्थात पर को जान के उससे लगाव नहीं करते, उसको चाहते नहीं है, जैसे कि केवल जानना मात्र कर लेते हैं। इसलिए मतलब पर को जानना कहा जाता है, कि पर को जानते हैं तो व्यवहार से जानते हैं और अपनी आत्मा को निश्चय से जानते हैं। इसीलिए केवल ज्ञान किसके लिए उत्पन्न किया अरहंत भगवान ने, जीव ने अपने लिए ही उसको उत्पन्न किया है। इसीलिए संप्रदान भी यहाँ पे निश्चय षटकारक में हमने देखा। अगला क्या है, अगला है अपना अपादान। क्या है अपादान? अपादान अर्थात अलग होने के अर्थ में। अब क्या चीज अलग हुई है, कुछ चीज तो अलग हुई होगी। हाँ, पहले उनके पास बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ा राज्य था, अब सारा राज्य छूट गया, बहुत सारी रानियां थी, सब छूट गया, बहुत सारे गहने थे, बहुत सारे नौकर थे, सब छूट गए, यही अपादान है। या हम कहें कि भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो ज्ञानावर्णी कर्म चला गया, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म चला गया तो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। मतलब
एक के जाने से दूसरे का आना, क्या ये अपादान है? नहीं, ये भी अपादान नहीं है। निश्चय कारक में ये भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि कर्म एक अलग वस्तु है और हम एक अलग वस्तु है। हम कर्म नहीं है, कर्म हम नहीं है, दोनों अलग अलग वस्तु है। तो शुक्ल ध्यान, चार ध्यान होते हैं, मैंने पहले भी दूसरी कक्षा में बताया था, हम फिर से देख रहे हैं क्या, आर्त ध्यान, रौर्त ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान में से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। क्या कहा? शुक्ल ध्यान में से, मतलब कि शुक्ल ध्यान में से उत्पन्न हुआ है, एक से अलग होके दूसरे रूप आई है। या सीधा सीधा कहें कि एक पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय उनकी उत्पन्न हुई है। एक को छोड़ा तभी तो दूसरी आएगी, क्योंकि उत्पाद वह चलता रहता है। लेकिन इस अपादान में एक शब्द और कल हमने देखा था, किसी को याद है वो शब्द? कोई बताना चाहेगा? किसी ने कल गहराई से सुना हो, जरूरी शब्द है अपादान का। चलिए कोई बताना के इच्छुक? सब इधर उधर देख रहे हैं कि कभी मिल जाए कौन सा शब्द था, वो याद आ जाए। चलिए बताइए। नहीं 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 नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है अपादान का, मतलब निश्चय षटकारक में अपादान की परिभाषा में इतना जरूरी शब्द। चलिए एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको याद आएगा। कल एक उदाहरण दिया था कि मनुष्य पर्याय का व्यय और देव गति का उत्पाद और एक चीज उसमें ध्रुव रहती है। अब तो मैंने बोल ही दिया, ध्रुवता। आपने आपने सुन के बताया या वैसे याद आ गया? भैया नहीं, आपने वो हिंट दिया ना, उससे याद आया, वैसे याद नहीं आया था, लिखा नहीं था हमने, ध्रुवता लिखा नहीं था। हाँ, ये छोटी छोटी चीज, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर इसको याद नहीं रखेंगे तो हमें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अकलंग निकलंग नहीं है कि हम एक बार में सुने और हम सभी सब कुछ हम समझ लें। बिना लिखे याद नहीं होता, इसलिए लिखने की आवश्यकता बहुत है। याद हो जाता तो बहुत बढ़िया। क्या था? जिसमें से कर्म किया जाता है उस ध्रुव वस्तु को, मतलब कि शुक्ल ध्यान का अभाव, शुक्ल ध्यान की पर्याय गई, केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई। दोनों के बीच में भी एक चीज कॉमन थी कि जीव तो जीव ही था, मतलब कि शुक्ल ध्यान की पर्याय में भी जीव था, केवल ज्ञान की पर्याय में भी जीव है। तो ध्रुव क्या है? उस ध्रुव वस्तु को अपादान कहते हैं। एक परिभाषा भी आती है कि ध्रुवम अपायम अपादानम, कि जो ध्रुव वस्तु होती है उसे अपादान कहते हैं। ध्रुव वस्तु मतलब जो बदलती नहीं है उसे अपादान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। लेकिन जिसमें से कर्म किया जाता है, ये बात हमें ध्यान रखने वाली है। तो मतलब कि शुक्ल ध्यान की पर्याय गई, मतलब एक पर्याय गई और केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न, तो एक को छोड़ के दूसरी आई और उसमें ध्रुव वस्तु को अपादान हम यहाँ पे कह रहे हैं। अब अधिकरण, अधिकरण क्या है? केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, जीव को केवल ज्ञान हुआ, तो उसमें अधिकरण क्या है, उसका आधार क्या है? केवल ज्ञान आधार वो खुद ही है, अपने आधार वे खुद ही है। व्यवहार की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि चौथा काल आधार है। व्यवहार की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सम चतुरस वृज वृषभ नाराज सहनन जो होता है वो उसका आधार हो सकता है। और हम व्यवहार में कह सकते हैं कि उनकी खुद की योग्यता को भी हम व्यवहार के रूप में एक बार की किसी एक अपेक्षा से हम पुरुषत्व को उनके, किसको? पुरुषत्व को, क्योंकि पुरुषों को ही केवल ज्ञान होता है, तो उनका पुरुष भी आधार, पुरुषत्व भी उनका आधार है केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में। ये तो हुआ व्यवहार। निश्चय में क्या हुआ? वे स्वयं के ही आधार है, उनकी आत्मा ही केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में सर्वोत्कृष्ट आधार है। अगर आत्मा ही नहीं होती तो केवल ज्ञान कैसे होता? आत्मा के ध्यान से, आत्मा के आधार से उन्होंने आत्मा का ध्यान किया और फिर ही तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। मतलब आधार क्या है, आधारशिला क्या है, आधार भूमि क्या है? आधार भूमि उनकी आत्मा ही है, वो जीव ही है। तो जीव को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जीव ही केवल ज्ञान को प्राप्त करने में, जीव ही करता है, जीव ही कर्म है, जीव ही करण है, सब कुछ जीव है। छयो कारक जीव पे ही लगेंगे। मतलब इतनी हम बात ध्यान रखें कि जब भी व्यवहार कारकों का प्रयोग होता है तो हमेशा दो द्रव्यों में किया जाएगा, मतलब कि कभी भी एक द्रव्य में व्यवहार कारक नहीं लगते हैं। निश्चय कारक हमेशा एक द्रव्य पे अप्लाई होते हैं और व्यवहार कारक हमेशा दो द्रव्यों पे, मतलब
दो का कुछ ना कुछ संबंध बिठाया जाएगा तब व्यवहार बनता है, और निश्चय हमेशा एक के आधार से ही बनता है। क्या आपको ये उदाहरण समझ में आया? इस उदाहरण को समझ के हमें क्या समझना चाहिए कि केवल ज्ञान क्या स्वाध्याय करने से होगा? प्रश्न है मेरा, आपका प्रश्न राउंड चालू हो चुका एक तरीके से, सोच लीजिए एक बार। क्या हमें केवल ज्ञान मंदिर जाने से होगा? क्या हमें मंदिर में 10 पूजन करने से क्या हमें केवल ज्ञान उत्पन्न होगा? क्या हमें रात्रि भोजन के त्याग कर देने से हमें केवल ज्ञान उत्पन्न होगा? क्यों नहीं होगा? मतलब कि अभी तक तो सब इन्हीं चीजों को मानते थे कि भैया रात्रि भोजन छोड़ देने में ही धर्म है, पूजन करने में ही धर्म है। अभी तो हम सुबह की कक्षा को देखें, मतलब कि एक तरीके से सुबह की कक्षा और शाम की कक्षा में ऐसा लग सकता है दोनों में विरोध चल रहा हो, दोनों में विरोध लगेगा, लेकिन दोनों में विरोध नहीं है, दोनों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं। मतलब कि सुबह तो हम कह रहे हैं कि पूजा करनी चाहिए, पूजा से ही मोक्ष मिलता है, ऐसा भी कह रहे हैं, लेकिन जब हम निश्चय षटकारक से देखते हैं तो पूजन करने से मोक्ष नहीं मिलता, पूजन करने से केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, चाहे हम उसमें कितना ही मोक्ष फल प्राप्त आए, कितना ही कर लें, लेकिन मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो कैसे प्राप्त होने वाला है, मोक्ष कैसे मिलेगा हमें, कोई बता सकता है? कोई, मैं बहुत चतुर उत्तर सुनना चाहता हूँ कि मोक्ष हमें कैसे मिलने वाला है। आप पूछे ना, आत्मानुभूति से। आत्मानुभूति से किसने बताया? मम्मी ने। मम्मी ने बताया, चलिए। तो मम्मी को आत्मानुभूति हो गई? नहीं हुई। मतलब कि यहाँ पे तो ये तो मजाक की बात हो गई, लेकिन हम इतना समझें कि आत्मानुभूति से ही केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, बिना उसके केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। मोक्ष की हम बात करते हैं, मोक्ष के इच्छुक जीव हैं, तो वैसे कार्य भी होने चाहिए, और वैसा कार्य क्या है? अपनी आत्मा को जानना, कोरी बातें करना, इससे केवल ज्ञान उत्पन्न होने नहीं वाला। कोरी बातों को करने से तो कुछ नहीं मिलने वाला, कोरी बातें वो करते हैं जिनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, जैसे कहता ना खाली दिमाग शैतान का घर। तो खाली दिमाग में क्या करेंगे, बातें करेंगे, बस बातें करते रहते हैं और कुछ काम होता नहीं। सुबह अगर आपने सुबह का परिचर्चा सुनी हो तो बहुत बढ़िया, आदरणीय मनीष जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि आज तक, बहुत ध्यान से, आज तक जिन्होंने केवल ज्ञान को नहीं माना उनका भी कल्याण नहीं हुआ, और आज तक जिन्होंने, अभी तक जिन्होंने क्रमवत पर्याय को स्वीकार भी कर लिया है उसने भी किसी ने दीक्षा नहीं ली। मतलब कि कल्याण किस में होने वाला है? कल्याण तो आत्मानुभूति में होने वाला है, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, उसकी श्रद्धा के बिना मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन काम तो आत्मानुभूति से ही होने वाला है, अन्यथा हमारा काम होने वाला नहीं। अब जितने भी छोटे छोटे कारण होते हैं, अब सबको गौण कर दीजिए कि स्वाध्याय करने में ही, हाँ स्वाध्याय करने में भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा जैसी स्थिति हो जाएगी। मतलब कि मोक्ष का साधन करते नहीं है, शुद्ध भाव होते नहीं है, तो शुद्ध भाव से भी गए। अब स्वाध्याय करने में रुचि लगती नहीं है तो सीधा अशुभ भाव में गए। मतलब कि इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, तो स्वाध्याय तो करना चाहिए, लेकिन स्वाध्याय से मोक्ष मिल जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दोनों किस कौन सी बातें हैं। अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि स्वाध्याय करने से मोक्ष मिलता है, तो कौन सा वाक्य है? ये निश्चय षटकारक का वाक्य नहीं है, ये व्यवहार षटकारक का है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग द्रव्य हैं, एक स्वाध्याय करना और एक मोक्ष मिलना, दोनों अलग अलग हैं, तो यहाँ पे व्यवहार कारक अप्लाई हो जाते हैं। अभी मैं प्रश्न पूछूंगा तो सबसे पहले आप सेंटेंस में यही खोजना कि क्या ये दो हैं या एक है। अगर एक है तो बिना देखे कह देना कि हाँ इसमें निश्चय षटकारक घटित होते हैं, और अगर आपको लगे हाँ इसमें दो द्रव्य हैं तो बेझिझक कह देना कि ये व्यवहार षटकारक है। चालू करें, बोलिए सबसे पहले कौन ट्राई करना चाहेगा, किसको लगता है कि हाँ मुझे पूरा विषय समझ में आ गया है? चलिए, घर पे कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रश्न पूछो फिर देखेंगे कि अगर आता होगा तो हाथ उठाएंगे, लेकिन ऐसी बात मैं नहीं करने वाला, इससे तो पता लग जाएगा कितने लोगों को आया कितने लोगों को नहीं आया, कोई हाथ ही नहीं उठाएगा। पहले मैं चाहता हूँ पहले कोई सामने से आए कि हाँ मुझे समझ में आया, किसी किसी को तो विश्वास होगा षटकारक मुझे समझ में आ गए।
चलिए, मोक्ष का हाथ उठा है और किसका हाथ? मतलब कि हमारी क्लास में कितने लोग हैं, मैं एक बार गिनती भी हम देखें, रेशियो हम देखें, रेशियो पे काम करेंगे। हमारी क्लास में अभी मुझे मिला के 11 लोग हैं, मतलब टोटल हम 10 लोग सुन रहे हैं, 10 में से 4 लोग, चलो एकदम बढ़ गए 4। एक बार 50% से ज्यादा संख्या आ जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने घर पे भी 5। चलिए हम सबसे पहले चांस देते हैं आस्था को। चलिए देखिए, इस गेम का रूल समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बस एक चांस दी जाएगी और उसके बाद ये क्वेश्चन दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब कि और लोगों को तो चांस है सोचने का, आस्था के पास एक ही चांस मिलेगा आंसर एक ही बार में करेक्ट देने का प्रयास करना, बहुत सोचना उसके बाद आंसर देना। चलिए प्रश्न मैं सबसे पहले पूछता हूँ, क्या प्रश्न पूछूं? चलिए, मैं भोजन करता हूं, बोलिए। ये व्यवहार षटकारक है। चलिए, व्यवहार षटकारक क्यों है ये? ये क्योंकि इसमें लिखा है मैं भोजन करता हूँ, मैं तो भोजन करता ही नहीं। निश्चित कारक क्यों नहीं लगा? मैं तो भोजन करता ही नहीं, क्या किसी को ये आंसर में कुछ गलत लगता है? तो वो कमेंट बता सकता है कि अगर आस्था का किसी को आंसर गलत लगता हो तो। चलिए, मैं भोजन करता हूँ, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं, मैं अलग हूँ और भोजन एक अलग वस्तु है, तो दो वस्तुओं में हमेशा व्यवहार षटकारक का प्रयोग होता है। अगला वाक्य, तालियां एक बार आस्था के लिए। अगला, पूजन करने से पुण्य बंधता है। एक बार सब हैंड एक बार नीचे कर लीजिए, उसके बाद एक बार फिर एक बार सब हैंड रेज करना है एक साथ, फिर पता लगेगा क्या स्थिति चल रही है। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं सेल्फ म्यूट हो गया। पंकज जी, आपको आवाज आ रही है अभी? आ रही है। आ रही है, आ रही। बताइए। इसमें व्यवहार षटकारक लगेगा। व्यवहार षटकारक लगेगा। चलिए, अभी आप अपने आंसर को अपने पास एक सेकंड बस अपने पास रखिए। और कोई बताना चाहेगा? पूजन करने से पुण्य बंधता है। जल्दी से उत्तर आने चाहिए। जिसको उत्तर पता हो जल्दी से अपना माइक खोले और तुरंत आंसर बताए जल्दी से। विहार क्रिया है। हेलो, हाँ जी बोलिए आप। राजेश जी, विहार से है। व्यवहार से, व्यवहार षटकारक। चलिए, मतलब कि पूजन करने से पुण्य बंधता है, ये व्यवहार षटकारक क्यों है मैं पूछना चाहता हूँ दृष्टि से। जल्दी से कारण बताओ क्या है भैया? क्योंकि इसमें दो द्रव्य, पूजन और पुण्य। तो पूजन और पुण्य अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ। चलिए, मतलब कि पूजन और पुण्य, घबराइए मत, आंसर सही है। कॉन्फिडेंस से आंसर बोलेंगे तो पता लगेगा कि पुण्य एक अलग चीज है और पूजन एक अलग चीज है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब इससे हमें एक बात और समझ में आती है जो हम सुबह चर्चा कर रहे हैं कि जब पूजन और पुण्य अलग अलग चीज है तो हम उसके पुण्य पे क्यों भरोसा करते हैं कि हम पूजन करेंगे तो हमें पुण्य लगेगा। मतलब कि जिसमें कहा जाता है ना, फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब कि क्या होगा, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इच्छा तो एक दोष है, इसीलिए दोनों चीजें अलग अलग है, हम तो बस पूजन करें। चलिए, एक और छोटा सा प्रश्न इसी से संबंधित, बहुत ध्यान से सुनिए। पूजन के भाव
पूजन के भाव पुण्य के भाव होते हैं, पूजन के भाव पुण्य के भाव होते हैं। बोलिए शेफाली जी। भैया मोक्ष को बहुत हंसी आ रही है भैया, ये निश्चय वाला होगा, क्योंकि ये निश्चय षटकारक होगा क्योंकि इसमें भाव पूजा है और भाव पूजा और ये पुण्य के भी भाव है, पुण्य के ही भाव है, मतलब कि पूजन के भाव और पूजन के भाव और पुण्य के भाव, पुण्य यहाँ पे पुण्य कर्म नहीं ले रहे, पुण्य भाव ले रहे हैं, तो ये दोनों एक ही चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें नहीं होती हैं। पूजन के भाव, पूजन कैसे होता है, पूजन भी शुभ परिणामों से होती है, शुभ भावों से होती है, शुभ भाव भी पुण्य भाव होते हैं, तो पूजन के भाव और पुण्य के भाव दोनों एक जैसे ही हैं। चलिए हाँ जी, और क्या कह सकते हैं? हाँ जी, दोनों ही कार्य जीव में ही होते हैं, मतलब पूजन के भाव भी जीव में ही होते हैं और पुण्य के भाव भी जीव में ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पे निश्चय षटकारक यहाँ पे अप्लाई होता है, व्यवहार षटकारक यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। चलिए छोटी सी बात, थोड़ा सा आखिरी दो तीन प्रश्न करता हूँ, फिर अपनी बात पूरी करेंगे। सर्वज्ञ भगवान तीन लोक तीन काल की पर्यायों को एक साथ जानते हैं, इसमें कौन सा कारक लगता है, निश्चय या व्यवहार? देखिए यहाँ पे तो बहुत इजी सा प्रश्न है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, आप किसी भी ऑप्शन को कह दीजिए, हमें पता लग जाएगा कौन सा गलत है और कौन सा सही है। चलिए मेरे घर पे हाथ उठा उठा के थक गए हैं, बोलिए। निश्चय उत्तर आया यहाँ से, निश्चय की सर्वज्ञ भगवान तीन लोक तीन काल को युगपत जानते हैं, तो इसमें निश्चय षटकारक अप्लाई होते हैं। चलिए और किसी को चांस, और कोई बताना चाहेगा, जिसको भी पता हो जल्दी से अपना माइक खोले। व्यवहार षटकारक होगा, व्यवहार ऐसा तो नहीं कि एक निश्चय का उत्तर आ चुका है तो अब अपने पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब व्यवहार मेरे पास रीजनिंग है ना, इसके लिए कारण है, रीजनिंग है आपके पास। चलिए किसी का कोई और मत हो, कोई मैं ट्राई करना चाहता हूँ रीजन देना, मतलब सोचा तो है, ट्राई कीजिए। ये व्यवहार ऐसे हुआ कि भैया कि जो तीन लोग के नाथ है, जो भगवान है, वो तो अपने जीव है, लेकिन जो वो जान रहे हैं, जो तीन लोग का तीन काल का एक साथ जान रहे हैं, वो एक क्रिया हुई, वो जान ऐसे नहीं रहे कि मतलब वो जीव भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ना भगवान को केवल ज्ञान की ना इच्छा है और ना उन्हें उनको उन्होंने खुद को दिया हुआ या फिर किसी ने लिया है। चलिए कोई और कुछ कहना चाहेगा इस समय, ये गुहा से कहने में आता है, निश्चय से भी किसी को नहीं जानते, निश्चय से भी किसी को नहीं जानते, व्यवहार से कहने में आता है केवल ज्ञानी तीन लोग को जानती है, निश्चय स्वयं को जानती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, कि निश्चय से तो कहने में यही आता है कि भगवान अपनी बस आत्मा को जानते हैं और किसी को जानते नहीं, लेकिन व्यवहार से कहते हैं कि वे तीन लोग तीन काल को जानते हैं, मतलब कि सर्वज्ञ भगवान तीन लोग तीन काल को युगपत जानते हैं, इसमें कौन सा, जिन जिन्होंने निश्चय षटकारक कहा उनका उत्तर ठीक नहीं है और जिन जिनने व्यवहार षटकारक कहा वे ठीक है। क्यों? क्योंकि तीन लोग एक अलग चीज है, क्योंकि एक वाक्य देखिए क्या है, बहुत सरल सा है कि एक सेकेंड, बहुत सरल सा वाक्य कि सर्वज्ञ भगवान ने तीन लोक तीन काल को युगपत जाना। अब यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हो गई, सर्वज्ञ भगवान अलग और तीन लोक अलग, ना तीन लोक सर्वज्ञ भगवान है ना सर्वज्ञ भगवान तीन लोग है, जानते हैं उसको बात अलग है, जानने में बात नहीं है, लेकिन तीन अलग, तीन लोक अलग चीज है, सर्वज्ञ अलग चीज है, तो जब जब दो चीजें हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो व्यवहार षटकारक में चला जाता है। अब वाक्य हम बनाए कि सर्वज्ञ भगवान ने अपनी आत्मा को जाना,
ये कौन सा षटकारक लगेगा इसमें, निश्चय या व्यवहार? निश्चय षटकारक, निश्चय षटकारक लगेगा। क्यों लगेगा निश्चय षटकारक? क्योंकि वे अपनी आत्मा को जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान कौन है? जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनकी आत्मा है, वे उसी आत्मा को जानते हैं। सर्वज्ञ सबको जानने का काम, तो सब में एक अपनी आत्मा भी आती, सब में ऐसा नहीं कि सारे पर द्रव्य आते हैं अपनी आत्मा छूट जाती है। सबसे पहले तो अहम में अहम तो अपनी आत्मा ही है, सबसे पहले अपनी आत्मा को जानते हैं। सबसे पहले की तो भाषा है कहने की, जानते तो सबको एक साथ ही है, लेकिन निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं, इसलिए यहाँ पे निश्चय षटकारक अप्लाई होते हैं। अंत में एक और हम प्रयोग कर लेते हैं कि मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं, या मुनिराज ईरिया समिति का पालन करते हैं, इसमें कौन सा षटकारक है? इसमें विव्यार लगेगा। चलिए उत्तर आया कि इसमें व्यवहार षटकारक लगेगा। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज अलग हैं और जो ईरिया समिति है वो अलग है। ईरिया समिति किसके किससे होती है? ईरिया समिति शरीर से होती है, शरीर के निमित्त से होगी। और जीव तो एक अलग वस्तु है, मुनि महाराज एक जीव है, जीव अलग है, ईरिया समिति अलग है। 28 मूल गुण शरीर के माध्यम से होते हैं। जब शरीर ही हमसे अलग है तो यहाँ पे अपनी बात क्या हो जाएगी? जड़ की क्रियाएं हैं, शरीर की क्रियाएं हैं, इसीलिए यहाँ पे व्यवहार षटकारक का प्रयोग किया जाएगा, निश्चय षटकारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अंत में एक उदाहरण तो हम बहुत सारे देख सकते हैं, आप लोग भी छोटे छोटे सेंटेंसेस में हटा के षटकारकों का आनंद ले सकते हैं कि कौन सा निश्चय षटकारक है और कौन सा व्यवहार षटकारक है। इस निश्चय षटकारक का एक और नाम कहा जाता है, जिसे कहा जाता है एक शब्द में स्वयंभू, अर्थात जिसे कभी भी पर की अपेक्षा ना हो उसे स्वयंभू कहा जाता है। जो स्वयं में ही स्वयं है, जो स्वयं ही बना है, अपने से ही बना है, अपने लिए ही बना है, अपने में से ही बना है, अपने अपने ही आधार से बना है, किसी और के आधार से नहीं। मतलब कि षटकारक उसमें अपने में अप्लाई होते हैं, स्वयंभू है, प्रत्येक जीव अपने में स्वयंभू है। जब जब हमें पता लगता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयंभू है, उसको पर की अपेक्षा नहीं है, जैसे हमें पता लगता है तो हमारे जो दीनपने के जो भाव है वो सारे हमारे दीनता के भाव चले जाते हैं कि हम तो बहुत गरीब है। भैया तू गरीब कब है? जब तू किसी अमीर को देखता है तो तू गरीब है। और तू अमीर कब है? जब तू किसी गरीब को देखता है तो तू अमीर है। मतलब कि किसी और को देख के अपने को देखना वो बात अलग है, वो व्यवहार में जाएगी, लेकिन निश्चय से तो तू स्वयंभू है, तू अपने में पूर्ण है। जैसे तेरे में अनंत गुण है वैसे ही मेरे में अनंत गुण है। गरीब अमीर कोई भी हो, सब अपने में स्वयंभू है, कोई किसी के अधीन नहीं है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी पैसे के संयोग से अमीर हो गया, पैसे के संयोग से अमीर तो हुआ लेकिन व्यवहार से, निश्चय से तो वो अनंत गुणों से अमीर है। और गरीब पैसे के वियोग से गरीब हो गया? नहीं, यहाँ पे गरीब को दीनता के भाव नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्वयंभू है। जैसे अमीर में अनंत गुण है उसकी वजह से वो अमीर है, ऐसे ही गरीब व्यक्ति भी उसमें भी अनंत गुण है, वो अनंत गुणों से अपने में अमीर है। मतलब कि सब अपने अपने द्रव्य में पूर्ण है। षटकारक की चर्चा इसीलिए की जाती है जिससे हमारी दृष्टि पर से हटके स्व पे आए। क्या कहा? पर की दृष्टि, जो हमारे दृष्टि पर के ऊपर है उससे दृष्टि हटे और अपने द्रव्य पे आए, अपने ऊपर केंद्रित होए, इसीलिए हम षटकारक की चर्चा करते हैं कि दूसरे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। आप में इतनी सारी निधियां पड़ी हुई हैं, एक बार अपनी निधियों को खोल खोल के तो देखो, एक बार आत्मा के बारे में जान के तो देखो, एक बार आत्मा की शक्तियों को जान के तो देखो, सामने वाले पदार्थ को जानने की इच्छा ही नहीं करेगी। क्योंकि अपने में इतनी निधियां भरी हुई है, अपने में इतना रस है, अपने को जान के ही हम सुखी हो सकते हैं। पर को देख देख के लार टपका टपका के कि पर से पर ये इस वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, एक बार गाड़ी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, एक बार बड़ा घर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बस इसी में हमारा दुख बढ़ता चला जाता है। और वास्तविक सुख हमें कब मिलेगा? जब हम अपने को ही जानेंगे, निश्चय षटकारक को अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, हाँ जी, सुबह की चर्चा का, क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई,
क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई? क्रमबद्ध पर्याय कहीं से उत्पन्न नहीं हुई। क्रमबद्ध पर्याय तो वस्तु व्यवस्था का नाम है, और वस्तु व्यवस्था कहीं से उत्पन्न नहीं की जाती, वस्तु व्यवस्था तो होती है। ऐसे ही क्रमबद्ध पर्याय होती है, कहीं से उत्पन्न नहीं की जाती। जैसे जल में लहरें कहाँ से उत्पन्न होती? पानी में, जल में किसी के संयोगवश उत्पन्न होती है। तो ऐसी वो भी तो पर्याय भी किसी की, वो जब पर्याय भी तो निमित्त से उत्पन्न होगी। जीव यदि प्रणाम नहीं करेगा वैसे तो पर्याय कहाँ से उत्पन्न होगी? सुबह की चर्चा में आया था ना, यहाँ पे ऐसी हम सुबह की चर्चा में आया था, जो पर्याय होती है वो पर्याय भी तो अपने से ही उत्पन्न होती है। अगर हम इसको निश्चय शकार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो एक एक पर्याय अपने में स्वतंत्र है, एक एक पर्याय के षट कारक अपने अलग अलग है। वही एक पर्याय जो एक केवल ज्ञान की पर्याय, केवल ज्ञान की बहुत सारी पर्यायों में से हम एक पर्याय को उठा ले, वो एक पर्याय के षट कारक अलग है, तो खुद ही उत्पन्न होती है और खुद ही बाद में चली जाती है। पर्याय तो क्षण भंगुर है, कोई किसी को उत्पन्न नहीं करता, स्वयं वो अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है सारी पर्याय। जीव जैसे परिणाम करता है तभी उत्पन्न हो, ऐसे तो होगा नहीं। हाँ जी, ये भी बात ठीक है, आपने इस अपेक्षा का तो ये भी बात ठीक है कि जीव जब तक परिणाम नहीं, जीव के जैसे परिणाम होते हैं वैसे उसकी पर्याय उत्पन्न होती है। तो जीव की पर्याय अलग है और जीव के परिणाम अलग है। जीव वैसे परिणाम करता है तो वैसी पर्याय होती है, जीव वैसे परिणाम नहीं करेगा तो वैसी पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। पर्याय क्योंकि पूर्व में वैसे परिणाम किए जीव ने, जब तो वो पर्याय उत्पन्न हुई वर्तमान में। अपन ने भावना भाई जब तो आज अपन यहाँ बैठे, मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें प्रश्न क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ पा रहा कि इस संबंधित प्रश्न क्या है। ये क्रमबद्ध पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई, किसके निमित्त से हुई? मतलब सारी पर्याय किसके निमित्त से उत्पन्न हुई? यहाँ पे तो हम कारण कार्य व्यवस्था को देखें तो पूर्ववर्ती, जो पूर्ववर्ती पर्याय का व्यय और अगली पर्याय का उत्पाद, तो कारण कार्य व्यवस्था के हिसाब से पूर्व की पर्याय का व्यय वो कारण है और नवीन पर्याय का उत्पाद वो उसका कार्य है। जीव ने वैसी भावना भाई पूर्व में जब वो पर्याय उत्पन्न हुई आज वर्तमान, हम उसको भावना से भी कह सकते हैं क्योंकि अब या परिणाम परिणाम जैसे परिणाम होते हैं वैसी हमारी पर्याय होती है। हाँ जी, आप अपना माइक खोल लीजिए। उसको भी क्रमबद्ध कहेंगे क्योंकि क्या है कि वो जो हमारी पूर्व की पर्याय इस टाइम पे हो रही है, जो हम शास्त्र से सुन रहे हैं, तो वो हो सकता है हमारे चार पूर्व बंदी हो, मतलब कितने पूर्व पीछे बंदी है हमारी, लेकिन उत्पन्न अब हो रही है। लेकिन वो क्रम में तो पहले से लिखी थी कि हमारे कितने टाइम बाद वो आनी है, कौन से भव में हमारे को धर्म समझना है। हमारे इससे पहले पता नहीं कितने भव हो गए, और अब इस भव में जो हमने समझा उसको हम क्रमबद्ध कहेंगे कि ये हमारे क्रमबद्ध में इस टाइम में आना था। लेकिन परिणाम तो पूर्व में अपन ने ढूंढने किए ना, कोई पर्याय उत्पन्न हुई अभी वर्तमान, तो परिणाम तो पूर्व में बंधे थे तो वो अब आए थे, तो वो जो अब आए हैं हमें पता नहीं है, तो लेकिन केवल क्रमबद्ध आया हुआ है तो उसे ही क्रमबद्ध में कहेंगे कि हमारा क्रमबद्ध अभी था आने का, पहले क्यों नहीं आया? आज कोई नया आदमी धर्म में लगा, उसने पूर्व में भावना भाई वैसी, हाँ पूर्व में भावना, लेकिन कौन से पूर्व में भाई अब जी नहीं बता सकते, अपन जी निश्चित नहीं है, केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान में है तो इसी को ही कर्म कहते हैं। लेकिन भावना परिणाम तो किए जीव ने पूर्व में, आप तो परिणाम तो जीव ही करेगा। आज भी सुबह में ये कहा कि भावना तो जीव ही करेगा क्योंकि हमें आगे का पता नहीं है ना, नहीं है ना, आगे का हमें पता नहीं है, इसलिए परिणाम तो जीव ही करेगा, ऐसा है। चलिए संक्षेप में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे भाव से ही, म्यूट कर लीजिए, हमारे भाव से ही संसार होता है और हमारे भाव से ही मोक्ष होता है,
तो सारी पर्याय पहले से ही निश्चित है, लेकिन उस पर्याय का हमें ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम अचानक उत्पन्न हो गई, उसकी पर्याय पहले से निश्चित थी, और जब वो पर्याय निश्चित थी तो उस संबंधी हमारे भाव भी पहले से निश्चित थे कि उस समय आपको ऐसे परिणाम आने वाले हैं। कि हम सब 10 साल पहले डिसाइड हो गया था कि आज की तारीख 15 तारीख को हम 9:04 पहले यहाँ पे सब एकत्रित होके यहाँ पे इस बात को कर रहे होंगे, यहाँ पे अभी मैं बोल रहा हूंगा, मुझे इस समय ऐसे भाव आ रहे होंगे, सब कुछ पहले से निश्चित था। लेकिन वो चीज हमें नहीं पता थी, इतनी सी बात है, लेकिन सारी क्रमबद्ध तो पहले से सारी पर्याय बंधी हुई, जैसे कि एक रील होती है पिक्चर की, सारी पहले से बंधी हुई है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ऐसे हमारे भाव भी वैसे ही होने थे और वैसे ही उसकी पर्याय भी उत्पन्न होनी थी, दोनों ही क्रमबद्ध है। चलिए अभी हम थोड़ी सी चर्चा हम षट कारक की कर रहे थे, हम सुबह के विषय क्रमबद्ध पर्याय में चले गए। चलिए बढ़िया है, हमने थोड़ा उसकी भी चर्चा कर ली। अभी की बात को हम, मोक्ष कुछ बोलना चाहता है, बोलिए मोक्ष। भैया मुझे एक प्रश्न था, काफी पुराना प्रश्न था सर, इस विषय को काफी टाइम हो गया, लेकिन भैया ये पूछना था कि जब ये टोडरमल जी पुराना नहीं, भैया मतलब थोड़ा समय पुराना है, मतलब कुछ में एक दो महीने पुराना, कि भैया इसमें जब टोडरमल जी की 300वें जन्म के वर्ष के वो मनाए जा रहे थे, तो उस वक्त भैया उनका जन्म तो 1777 का था और अभी 2020 है, तो 243 ईयर्स हुए हैं, जबकि अभी भी 57 ईयर्स बचे हैं 300 होने में, उनके जन्म क्या बताइए आपने, उनके जन्म की डेट 1776 से 1777। अब इसके अंदर पूरे 300 वर्ष, जन्म के तो 300 ही वर्ष हो चुके, जन्म की देखा जाए जन्म तिथि के हिसाब से तो पूरे अब बने 300, जन्म के तो 300 ही वर्ष हो चुके। हो सकता है कि वो संवत के हिसाब से हो, क्योंकि पूर्व के काल की गणना के अनुसार अलग चलती थी, तो हमें काल को हमें एक बार देखना पड़ेगा कि क्या काल की गणना है, एक बार मैं कल इसके बारे में पूरा आपको बता दूंगा। डेट ना विक्रम संवत में है, जो ये हमारे पास जो डेट लिखी हुई है ना, ये विक्रम संवत में लिखी हुई है। हाँ जी, ये विक्रम संवत की, क्योंकि डेट में कुछ वर्ष पहले चलता है हमारे नॉर्मल साल से। ये जो हमारे पास लिखी वो डेट विक्रम संवत में लिखी है, विक्रम संवत है। और अभी तो हम दूसरा, अभी तो हम सन के हिसाब से बात करते हैं, विक्रम संवत के हिसाब से बात नहीं करते हैं। चलिए अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं, कल से हम अगला विषय जो हमारा निमित्त उपादान आने वाला है, उसकी पूर्व भूमिका, जो कार्य की परिभाषा, अनेक अनेक चीजों के बारे में कल हम जानेंगे। अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं, अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और सुबह की कक्षा यथा समय नए विषय के साथ षट आवश्यक के साथ प्रारंभ होगी। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।